सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे अपने गेम प्ले को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल करना चाहते हो, अपना मूवमेंट स्पीड एंड अपना जो एक्यूरेसी है ना, उसको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन उन लोगों के पास एक अच्छा सा थ्री फिंगर कस्टमर शूटरी नहीं है। गाइस, आप लोग मानो या ना मानो, टू फिंगर से थ्री फिंगर आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिल जाता है। एंड आप लोग अगर थ्री फिंगर कस्टमर शूटरी में खेलते हो तो आपका जो गेम प्ले है ना, वो मतलब ऑटोमेटिकली जो ना इंप्रूव हो जाता है। सो गाइस, आप लोग मानो या ना मानो, गेम प्ले के मामले में अगर आप लोग गेम प्ले को और भी ज्यादा बेटर बनाना चाहते हो तो इस मामले में डिवाइस, एक अच्छा सा डिवाइस एंड उसके बाद अपना आता है सेंसिटिविटी, ये जो दो चीज है, इसके बाद ही अपना कस्टम मैच्योरिटी आता है, जो कि आपके गेम प्ले को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल भी लेके जा सकती है या फिर बहुत ज्यादा लो लेवल भी लेके जा सकती है। और गाइस, अभी के टाइम में जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है या फिर जो भी मोबाइल के बहुत ज्यादा लेजेंड्स बंदे हैं, तो उसमें से अभी के टाइम में जो भी मतलब कुछ गिने चुने बंदे होंगे जो कि अभी टू फिंगर में खेलते होंगे, और ज्यादातर बंदे यहाँ पे थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर, और मैक्सिमम जो बंदे हैं वो यहाँ पे थ्री फिंगर में ही गेम प्ले करते हैं। मैं बता दूँ, थ्री फिंगर गेम प्ले करने का बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा भी है, क्योंकि थ्री फिंगर में आपको एक एक्स्ट्रा फिंगर मिल जाता है, जिसकी मदद से अपना जो एक्यूरेसी है उसको या फिर अपना जो मूवमेंट स्पीड है इसको आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे जो ना आप टू फिंगर में गेम प्ले करते थे एंड आप लोग चाहते हो कि हम लोग भी थ्री फिंगर में अपना गेम प्ले को शिफ्ट करें, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग आप लोगों को तीन ऐसे थ्री फिंगर और इजी थ्री फिंगर कस्टम मैच्योरिटी देने वाला है, जिसकी मदद से आप लोग टू फिंगर से थ्री फिंगर इजिली शिफ्ट कर पाओगे, अपना गेम प्ले को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल कर पाओगे। तो गाइस, मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो ना तीन लेजेंड्स का तीनों फिंगर का कस्टम मैच्योरिटी आप लोगों को दिखाने वाले, उसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला कस्टम मैच्योरिटी वाला मतलब जो भी लास्ट वाला सबसे कस्टम मैच्योरिटी होने वाला है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इजी और सबसे ज्यादा हेल्पफुल कस्टम मैच्योरिटी होने वाला है। तो गाइस, नंबर वन के प्लेयर को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइस, चलो गाइस वीडियो का आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, तीसरे नंबर पे जिस बंदे का कस्टम मैच्योरिटी आता है, सो गाइस पहले आप लोग उसका एक छोटा सा गेम प्ले देख लो, उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को उसका कस्टम मैच्योरिटी दिखाता हूँ। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे इस बंदे को जानते हो एंड गाइस बहुत सारे बंदे इस बंदे का नाम भी गेस कर लिया होगा। तो गाइस, मैं बता दूं, ये भाई नॉन अदर देन हमारे ब्राजीलियन सर्वर का व्हाइट एफएफ है। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि व्हाइट एफएफ एक मोबाइल प्लेयर है एंड गाइस जिसका गेम प्ले यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है एंड गाइस जो भी मतलब हैकर की तरह गेम प्ले करता है ये बंदा। तो गाइस, आप लोग भी इस बंदे के कस्टम मैच्योरिटी में अपने आपको शिफ्ट करके, और गाइस प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होता। गाइस, आप लोग प्रैक्टिस करके इस बंदे के कस्टम मैच्योरिटी में शिफ्ट करके अपना गेम प्ले भी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन गाइस, मैं एक चीज बता दूं, जो भी टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट करो उनके लिए व्हाइट इफेक्ट का कस्टम मैच्योरिटी यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो गाइस, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लो, ठीक है, आगे वाला कस्टम मैच्योरिटी आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस देख लेते अपने नंबर टू के बंदे की तरफ। सो गाइस, दूसरे नंबर पे जो बंदा आने वाला है वो गाइस बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन उसका गेम प्ले एंड उसका जो स्टाइल है, उसका जो मतलब मूवमेंट स्पीड है, वो बहुत ज्यादा इनसेन लेवल का है एंड ये बंदा भी थ्री फिंगर में गेम प्ले करता है, वो भी गाइस मोबाइल के अंदर। सो गाइस, पहले आप लोग इसका एक छोटा सा गेम प्ले देख लो, उसके बाद गाइस मैं बात करता हूं। सो गाइस, मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे बंदे इस बंदे को जानते होंगे एंड गाइस बहुत सारे बंदे यार इस बंदे को जेरॉक्स एफएफ सोच रहे होंगे। भाई, मैं बता दूं, ये बंदा जेरॉक्स एफएफ नहीं है, लेकिन जेरॉक्स एफएफ से भी कम नहीं है। सो गाइस, इस बंदे का नाम है मिनी जेरॉक्स एफएफ, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा गेम प्ले करता है थ्री फिंगर में और गाइस मोबाइल के अंदर। सो गाइस, इस बंदे का कस्टम मैच्योरिटी आपके स्क्रीन के ऊपर एंड गाइस आप लोग भी इस बंदे के कस्टम मैच्योरिटी में शिफ्ट होकर अपना गेम प्ले को इंप्रूव कर सकते हो। और गाइस, इसके बाद जो गाइस फर्स्ट वाला नंबर का जो बंदा है ना, उसका कस्टम मैच्योरिटी भाई सबसे इजी कस्टम मैच्योरिटी होने वाला है। अगर आप लोग टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट कर दो तो उसके लिए सबसे इजी कस्टम मैच्योरिटी इसके बस वाले बंदे का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं फर्स्ट वाले बंदे का कस्टम मैच्योरिटी कौन सा है। सो गाइस, पहले आप लोग फर्स्ट वाले बंदे का गेम प्ले देख लो थोड़ा सा, उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को उसका कस्टम मैच्योरिटी भी दिखाता हूं।
So guys, आप लोगों ने तो इस बंदे का गेम प्ले देख ही लिया होगा। एंड गाइस, ये बंदा हमारे नॉनस्टॉप भाई के गिल्ड से बिलोंग करता है। सो गाइस, मैं नाम बता दूं कि आप लोगों को बताओ। चलो गाइस, मैं नाम बता देता हूं। सो गाइस, इस बंदे का नाम है एनजी जीउस, जो कि लो एंड डिवाइस के अंदर वो भी क्या स्मूथ ग्राफिक्स के अंदर गेम प्ले करता है। एंड गाइस, बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम प्ले करता है। सो आप लोग अगर लो एंड डिवाइस के अंदर गेम प्ले करते हो, एंड गाइस टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट करना चाहते हो, सो गाइस आपके लिए जीउस भाई का जो गेम मतलब जो कस्टम मैच्योरिटी है वो सबसे बेस्ट कस्टम मैच्योरिटी होने वाला है, क्योंकि ये जो ना बहुत ज्यादा ईजी है एंड बहुत ज्यादा सिंपल कस्टम मैच्योरिटी होने वाला है। सो गाइस, ये है जीउस भाई का कस्टम मैच्योरिटी। एंड आप लोग जीउस भाई के द्वारा 1v6 कर सकते हो इजिली, जस्ट कुछ दिनों का प्रैक्टिस करने के बाद एंड उनके कस्टम मैच्योरिटी में शिफ्ट करने के बाद। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट में जरूर से। एंड आप लोगों अगर कोई भी डाउट है यार टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर या फिर कुछ भी डाउट तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, हां, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।